में लगा के गोरी लेंस नीला नीला हेलो गुंजन भैया बहे जब जब पुर भैया हो आपका गाना गाना बहुत अच्छा है जैसे आप कैसे हो वैसे थैंक यू आई लव यू हेलो क्रिया जी प्रिया आई लव यू थैंक यू आई लव यू हेलो देखो भाई अब हाय बोलेंगे भोजपुरी के बॉस उमर सतरे सतरे जवानी तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो भाई सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और भाई आप ही वजह से आप सबके वजह से आज हम किन से मिलने जा रहे हैं पवन सिंह से और पावर स्टार यस और आज मेरा एक नया बिजनेस चालू हुआ है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो आप निकलिए भाभी कम हियर ये रही भाभी अरे स्माइल करते निकल दो स्माइल मोटकी और ये मेरी और ये मेरी जान तोरे में बसे रहने हमरो परनवा हो निकलो यार अरे सब मुझे पता है उसका भी जान हो चलो निकलो अरे हटो यार और ये कलुआ और ये कलुआ टू साले दूब और हम और एक चीज नहीं मिला और ये रहा अरे इधर देख लो भाई दीवाना अलुआ ब्रांड अलुआ ब्रांड और गाइस एक लड़की को नहीं दिखाया भुटिया को ये रही भुटिया भुटिया दिस इज फॉर बोले तो क्यूटनेस ये अपने आप को घमंड है इसमें कि मैं बहुत क्यूट हूँ तो मैं बता दूंगा तुम्हारे लिए एक ही गाना है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल तो मैं बताना चाहता हूँ टाइमिंग है इवेंट का 7 बजे वही ना और हम लोग निकले हैं यहाँ से है हम लोग को लगेगा एक अगर 31 मिनट लगेगा यहाँ से नहीं नहीं ये पटना का जाम है जो कि लगा सकता है 1 घंटा तो गाइस बहुत मेहनत करते हैं गुड्डू भैया बहुत मतलब इधर उधर जाते हैं साउंड मतलब पॉल्यूशन बहुत रहते हैं तो इनको ढेर सारा लाइक करिए सपोर्ट करिए ढेर सारा प्यार दीजिए इनको मैं तो तेरे को हर समझता था इनको आगे बढ़ाइए थैंक यू अरे नहीं अंकल हम लोग 8 लोग है ना हम ड्राइवर बन जाते हैं आपका ऑटो लेके फिर तो भैया कांग्रेचुलेशन भाई हम लोग बैठ गए भाई बहुत हम लोग बैठ गए ऑटो में यस 8 लोग बैठ गए चलो भाई भाई लेकिन एडजस्ट कैसे हो गया हमें पता भी नहीं चल रहा है हम लोग पतले हैं हमें पता है तो फाइनली गए पहुंच गए हम कहाँ पे पहुंच गए कहाँ पहुंचे किसी को नहीं पता है मतलब हम लोग का जो आज है आप क्या चाहिए नहीं जाओ नहीं आप यही ना नहीं आप चलिए अरे चलो आई नो स्पेशल इंग्लिश नहीं आता मैं भी स्पेशल पर्सन नहीं तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए पवन सिंह के घर में पवन सिंह के रूम में पवन सिंह के रूम में नहीं मतलब एग्जिट किए हैं खाना वाना हाँ यहाँ पे हम लोग रेस्ट वेट कर रहे हैं और यहाँ पे ये सब है फिलहाल में सब लोग और यहाँ पे गिम्बलवा सेटवा करवा हो कर रहे हैं और ये भुटिया उधर भैया उधर भाभी उधर वो मेरी जान इधर क्या नाम है इसका मटकी इधर पंडित जी इधर कलुआ और इधर मैं आपका चहिता कलुआ कितने का है 40 रुपए का कितना प्लेट 4 प्लेट ठीक है खाने के बोल दो खाते समय मिलते हैं गाइस तो गाइस खाते हैं हम लोग भी खाते हैं तो फाइनली गाइस यार मैगी आ गई यार बहुत जोर की लगी थी मतलब यहाँ पे सब लोग मैगी खा रहे हैं खाओ आप लोग ठीक है भाई मैं अकेला खा रहा हूँ जोर की भूख लगी है तो फाइनली गाइस हम लोग इवेंट के पास पहुँच गए यहीं पे इवेंट है भाई गाना बज रहा है इसके चलते कॉपीराइट भी डर लग रहा है तो मेहनत कर लीजिएगा आप लोग तो अभी गेट है बंद फिलहाल में और सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरे तो लग गए तो फाइनली गाइस हम अंदर पहुँच गए और यहाँ पे देखो
तो यहाँ पे देखो भाई, वहाँ पे भैया सब, यहाँ पे देखो सुंदर परिसर। तो फाइनली गाइस हम अंदर आ गए, थैंक यू भैया, थैंक यू। और यहाँ पे भैया सब मिले हैं, बड़े बड़े क्रिएटर है, टिकी स्टार सब। और बोला जाए तो भाई हम लड़के हैं, अंदर लड़की है, दिखाते हैं आप लोग। हेलो, हाय। अरे आप सभी बोल दो यार, सब क्रिएटर ही हो ना। हाँ, यहाँ पे लड़की सब और यहाँ पे, नहीं नहीं एक काम करते भैया, हम लोग गेट पे आके तारते हैं सबको। हाँ, तो ये रहे हमारे सुपर स्टार, इनका ही इवेंट है, सॉरी पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है। निकल तू, चलो भाई अंदर देख रही क्या है। खाना पीना मिल रहा है क्या भैया, खाना पीना मिल रहा है क्या इधर? तो फाइनली आज हम लोग पहुंच गए यहाँ पे लोकेशन पे, यहीं पे होने वाली है जो भी होने वाला है भाई, पार्टी। पार्टी का पार्टी मतलब क्या हुआ, खाना पीना ना। तो खाना पीना यहाँ पे क्या मिल रही, यहाँ पे तो डीजे लगा हुआ है डांस करने का। चलो भाई, यहाँ पे भैया है, ठीक है, स्टार सब है, और वहाँ पे सबसे चहेते स्टार। अरे हेलो, गजब इंट्री, गजब इंट्री। चलो भाई देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे पावर स्टार, सुपर स्टार, और क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग स्टार, बोल दीजिए, सब उस पे चल जाएगा। अच्छा, उन पे चल जाएगा। यस यस यस, थैंक यू, आई लव यू। ले लो भाई, अब आई लव यू बोले है तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा। रिप्लाई नहीं दिया यार, भाग गया, हमें डर लग रहा है। तो भाई ये क्या है एक्चुअली, स्वीट है, इससे ज्यादा स्वीट तो आप हो यार। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो गाइस भैया की गर्लफ्रेंड इधर, भैया देखो, हम बोले थे ना आप लोगों को भैया की गर्लफ्रेंड आई लव यू बोलेंगे, देखो। हेलो हेलो क्रिया जी, प्रिया आई लव यू। मिशन सक्सेसफुल, मुस्कुराहट आ गई, मिशन सक्सेसफुल। तो गाइस यहाँ पे भैया का चड्डी दिख रहा है, भैया का चड्डी वहाँ पे देखो भाई, व्हाट्सएप में मैसेज देखो, भैया का चड्डी दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक लड़की के नाम है पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्णिमा, आई लव यू बोलते हैं यहाँ, आई लव यू। अरे ये भाई, आई लव यू टू बोली सच में, फाइनली जिस काम के लिए आए हैं वही काम करेगा। नॉन वेज नहीं है, बिक दी, एक मिनट भाई हम पटा ले, बिक चांद ले रहे भाई, बिक चांद दही, एक्सक्यूज मी। अरे लेने दो, इसमें इसमें इसके वजह से सब रुके हैं। क्या है ये, पनीर है, अच्छा दोनों एक ही चीज है। अरे इतना लोग दे रहे हैं, सबको आई लव यू बोलना पड़ेगा, नहीं थैंक यू बोलना पड़ेगा, थैंक यू ही बोल देते, थैंक यू आई लव यू थोड़ा। अरे उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा, ये तू बोल रही है, कोई बात ये तो देख ले। एक बात बताइए, ये और चावल दोनों एक साथ खाना है, कोई बात नहीं खा लेंगे, लड़की दे रही खा लेंगे। ये गुस्सा हो रहा है, ये नॉन वेज है भाई, ये गुस्सा हो रही है, ये क्या है, अरे ये तो मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे क्यूट परी दे रही है तो लेना पड़ेगा। बोले तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी था, ऊपर से वहाँ पे लड़की जो थी ना वो भी क्यूट थी, उसके चलते जा रहे हैं वहाँ पे फिर से मांग के, राजा आपका गाजर का बहुत टेस्टी था, जैसे आप कैसे हो वैसे। कृति जी कहाँ गई, अरे ये रही, हमारा पापा के पुतोह बनबे कहिया के, रखो ना कृति बाहु, क्या खा रही हो, चिकन, अरे यार जा हम पापा, बाय बाय, खाओ आप बहुत अच्छे, चिकन कौन कौन नहीं खा रहे, आप लोग नहीं खा रहे, गुड गुड, अब भाई फर्स्ट टाइम इसको बोल रहे हैं आई हेट यू, चिकन चिकन के वजह से। चिकन
चलो भैया चलिए चलिए थैंक यू इसको पूरा पूरी प्यार हो गया हमसे यहाँ पे खाने के लिए आए थे फिलहाल में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब लोग जान रहे हैं सबको दिल से धन्यवाद लव यू तो गाइस फर्स्ट लड़की मिली है जो बोल रही है कि बेइज्जती मत कीजिएगा फ्लर्ट कीजिए अच्छा बेइज्जती नहीं करूँ फ्लर्ट ही करूँ पढ़ाई नहीं करूँगा बेइज्जती नहीं अच्छा ये बताइए अभी आँख में क्या लगा है आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला आँख में लगा के आप जिला नहीं तबाह करो मेरे दिल को तबाह करो अरे नहीं भाई आप आ सकते काली है अरे मैं आपके कौन है वो गुटवा छोरा चलो भाई हो गया क्या है सब कबार गया हाँ ऐसे कि कबार दिया आप क्या क्या लगा दी इस तरह से टट्टी लगाओ ना भैया भैया आई लव यू हम भी बोलेंगे ये हमारे दीपक दिलदार सर जो कि बिल्कुल ही दिलदार है ये आजकल के लड़के लड़कियों का आई लव यू बोलते हैं मैं करता हूँ इज्जत करता हूँ लेकिन एक बात जान लीजिए सुनिए आप बोले 45 साल का तो तू 45 साल के थाना में दरोगे हो खा और थाना में 35 बज के निमोचिए में एसपी आज सलामी ना ठोक बका गलती ना लो हल्का में मत लीजिए अगर सलीके से आएंगे सम्मान करेंगे एंकर आकाश बाबा ना भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं है और फेसबुक और यूट्यूब पर जो देखते होंगे वो नहीं होता है मेरे कितने क्या होता है जटा तभी कल अचल प्रवाह पावित स्थले कले बलम बलम बिता भुजंग तुंग मालिका दमर दमर दमे नमन निनाद वर दमर वयम चकार पे तांडव दमर तुम शिव शिव वाह मत लीजिए तो गाइस जो स्टेज पर डांस कर रहे हैं वो देखो हमें पहचान बॉस देखो भाई अब हाई बोलेंगे भोजपुरी के बॉस भोजपुरी के पावर स्टार तनी ताक दे तू और अरविंद लाल यादव जी एक गीत के लिए मैं आपको एक बात है मैं एक बात बता देना चाहता हूँ ये सबके लिए भोजपुरी का पावर स्टार कहती है जिनके आगे भोजपुरी के तमाम गद और पद आकर के नतमस्तक हो जाते हैं सुशील पुत्र है साहब प्रियांशु भाई भी आ गए है ना स्वागत अभिनंदन है अगर लगे कि अब गलत है तो गलत कहने का हिम्मत रखता है मुझे अच्छा लगा ये बात जान करके अनिल भैया अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था जिस तरह से जिस अंदाज में प्रियांशु ने कहा तो मुझे अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात यह है कि मधुर मुस्कान के साथ सबका दिल जीतने का हुनर भी रखना है नजर से मत देखो तुम्हारी भाभी है कब बनी तुम लोग रुको मैं बना के आता हूं
रंजन भैया इधर देखने देख बोले क्या प्रियांशु आओ मुझे गाना गाना है तो कोई बात नहीं आइए ना भैया इधर आइए एक परिवार है और एक परिवार में होते रहता है ना जोरदार ताली बजा हम चाहते हैं गुंजन भैया आशीर्वाद होते थे देखे भैया अरे भाई भैया मुझे पहले ही भूल गए लेकिन हम सोचे कि नहीं हमारी जिम्मेवार हम मेरे से गलती हुई तो मैं मंच के सामने भूल गया भैया भविष्य के सांसद है और हम चाहते हैं कि भैया समाज का सेवा करें जितना मुझे प्यार करते हैं भैया को प्यार करते हैं मामा को प्यार करते हैं अनिल भैया को प्यार करते हैं वैसे पूरे समाज को भी आप प्यार करेंगे आपसे यही उम्मीद सब करते हैं जय श्री राम जय श्री राम क्या कहे जब तुम कह दिया सर और इसको भागलपुर से भैया बुलाते थे पटना और इसको गाना बनवाते थे इससे अरे चुप बैठना और मेरे बड़े भैया मेरे जान प्राण दिल के धड़कन पावर स्टार पवन सिंह जी बैठे यहाँ पे और इनको भी ये बात पता चल गया ये तो और भंगी है भोलेनाथ है सब देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है सृष्टि में वही से कहे कि छोटा है बच्चा है गलती हो गया इससे हमको भी बोले कि माफ कर देना पवन सिंह और गुंजन सिंह ठीक ना दिमाग से नहीं चलता है दिल से चलता है और कभी कभी क्या होता है भैया इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है तो मैं भी हुआ और आपसे जितना मुझे प्यार मिला है जब भी मिला हूँ तो आपका पैर छू के ही प्रणाम किया और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी भी मेरे में ऐसी त्रुटि रही होगी जिससे आपको इससे पहले कभी दिल को ठेस पहुंची हो नहीं ये बात सही है और सुनो अरे पगला ये तो मैं बोलता हूँ रे आवाज बोलता हूँ कल भी बोलूंगा ये तो प्यार से बोलते हैं ना भैया और बोल देते हैं हमको अरे पगला तो ये सब प्यार है रे पगला देखा है बागेश्वर बाबा का एलन बिहार के पागलों झारखंड के पागलों तो पागल थोड़ी हो गया प्यार है ये प्यार है इसलिए मैं प्यार से तुमको कुछ भी बोलता हूँ बाबू और हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे पिता तुल्य हमारे पवन भैया बोल जाए ऐसा इनसे एक बात मैंने सीखा है अपने जीवन में कि बेटा सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है और भैया है मैं फिर से एक बार भैया को सॉरी बोल रहा हूँ पूरे समाज के सामने क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे वजह से भैया का सर अगर नीचा हुआ है तो मेरे वजह से उठना चाहिए एक बार भैया के लिए आप लोग ताली बजाइए और हम लोग जल्द बहुत बड़ा बड़ा गाना करके करेंगे साथ में एक से एक बढ़कर कि तोरा का पता भाई का मछिए से अब हम तो रंगा दाना बिलेट दिलदार गुलाब गुलजार रोशन के यार पावर स्टार मैं तेरा और भैया हमार आज हमार देखा अभी कितना बज रहा है दो अढ़ाई बज रहा होगा ना नवादा भी जाना है हेलो 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 और कर तो जगह रे हेलो 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 थोड़ा उधर ले आ जाओ बेटा लगेगी हम कुछ बोलू तो समझ पाए हमारे भाई लोग हेलो 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 बोलो मेरा भाई भैया को हम बचपन से सुनते आए मतलब जिस समय हम गाना नहीं भी गाते थे उस समय छत पे सोते थे गर्मी के दिन रहे भोरे भोरे उठ के और गाना कौन सुनत रहे बड़ा जालीदार बात हार के बाकी दिलवा के कैसे मनाई बहे जब जब पुरवैया हो इतना गीतार भी बवार के मारे की यादों लिखे भाई ने आज याद दिलाया कि हम फोनवे मुझे तुमसे प्यार हो गया है तुम्हें क्या चाहिए कुछ नहीं सोना चाहा नीले बचपन की बात की है मेरा भाई मुझे आज ही वो दिन याद है जब तुमने बोला कि लाइट अपना ज्यादा ना रहता है तो हम तो जब बच्चे थे तो हमने के घर खपड़ा खिलाया
बचपन से ही आप लोगों ने इतना ना अपने बच्चे को, भाई को, दोस्त को व्यस्त कर दिया, एक खबरे के घर से निकाल के नहर में आप लोगों ने बिछा दिया। लव यू। वहां झगड़ा ना हो वो प्रेम, तो अगर हम बोलते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक फैमिली है, तो कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बराबरी का है, गलतियां होते रहती है, माइंड नहीं करने का, तो अभी बड़ा भूसा भी बोलता है छोटा से, और थोड़ा ज्यादा छोटा बोलता है बड़े से, सॉरी। ठीक है, मिलजुल के रहना बेटा, क्योंकि हम लोग मिलजुल के रहेंगे तब किसी से लड़ाई करेंगे, आपसे में लड़ाई कर लेंगे तो हम दूसरे से क्या लड़ पाएंगे, हम सब एक रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे। क्या बात है, बात। और यहाँ गाना गाना मेरा मकसद नहीं है आने का, 3 बजे फोन में अगर पवन सिंह इस स्थान पे आया है तो मैं बता दूं कि इस घर से हमारे बड़े भैया अनिल भैया, हमारे भौजाई, हमारे माई, यहाँ से पवन सिंह का रिश्ता क्या है। मैं जब वहां बैठा था और इतने सालों के बाद जब मिला अपने भाभी से, तो भाभी मुझे ऐसे गोद मिली जिसे लगा कि मैं 5 साल का बच्चा, रोने भी लगी, मेरा भी यहाँ भर गया। ये प्यार सबके नसीब में नहीं है। हाँ, रिश्ता बता दो कि अनिल भैया, अनिल भाभी इस धरती पे है और उस समय मैं मुंबई के धरती पे थे, मैं भैया के ही घर पे खाना खाने गया था। आप लोगों का प्यार है कि यहाँ ना सूते के टाइम बा, ना खाए के टाइम बा, ना फ्रेश होके के टाइम बा। कभी कभी हमारे दोस्त लोग ज्यादा ये चली चला फोन फोन खाई लगे 10 दिन इंजॉय करके आवा जाए। तीसरा दिन होते होते कहा लेके ब्याह सी हमारे घर में फैल गए, तो हमारे अपेंडिक्स हो गए। भीड़ है कयामत की, तो भाई गाइस अभी टाइम हो रही है 3:15 हो रही है, 3:15 सुबह के 3:15 हो रही है लगभग। मैं थोड़ा सा क्लिप हो पाया पवन सर के साथ, थोड़ा सा क्लिप बस, उनके शरीर में टच हो गए, लेकिन शरीर में टच हो गए उनके। तो चलो भैया ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं भाई। ये बकरी है, मैं बोल रही है। तो बताओ पहले मेरे को फॉलो करने के लिए बोलो, यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी बताओ। ये तो प्रमोशन हो गई भाई, मैं दे दूंगी जबरदस्ती की बात। नहीं नहीं 150 रुपए देगा, मैगी खिला दूंगी। 150 रुपए होटल में मैगी खिला दूंगी। 2 लाख रुपया दोगी तो बताओ। गाइस गुड्डू ब्लॉगर को लाइक करो, फॉलो करो, ढेर सारा प्यार दो। ये बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मुझे भी इनका वीडियो अच्छा लगता है। और मेरे भी इंस्टा आईडी से मना 001 जाके फॉलो करो, मैं भोजपुरी क्वीन। प्लीज चलो भैया ये ब्लॉग यहीं पे, अरे रुको मैं एंड करता हूँ। चलो भैया ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग प्यार से कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल बेस्ट। चेक किया भरोसा कर लो तुम।